सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी होवे, सभी रोग मुक्त रहे, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को भी दुख का भागी न बनना पड़े। मे ऑल बी हैप्पी, मे ऑल बी फ्री फ्रॉम इलनेस, मे ऑल सी व्हाट इज ऑस्पिशियस, मे नो वन सफर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, एंड टुडेज लेक्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बीकॉम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्या स्पेशलिटी है आज के लेक्चर में। देखिए, पेपर में आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट से। ओके, एग्ज़ाम में आपको दिए जाएंगे टोटल 5 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, जिसमें आपके पास चॉइस होगी, आपको अटैम्प्ट करने होंगे एनी 4। एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट होगा 5 मार्क्स का, उस अकॉर्डिंग 4 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आपके बनते हैं 20 मार्क्स के, यानी कि अकेला रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 होगा 20 मार्क्स का, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सो हमने क्या किया, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं और आपके 17 लेसन्स हैं, उनको बहुत अच्छे से एनालाइज़ किया, एंड आफ्टर एनालाइजिंग हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट किया, यानी कि टोटल 32 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट को सेपरेट करा है, जिसके एग्ज़ाम में आने के 100% चांसेस हैं। ठीक है, आज के पार्ट में हम कवर करेंगे 20 रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, ओके, और जो बाकी 12 रह जाएंगे वो आएंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, सो बिल्कुल इस उम्मीद के साथ कि आपको सब समझ आएगा, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एंड योर कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हेयर, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, फर्स्ट है मोस्ट बैंकर्स ड्वेल इन मार्बल हॉल्स। देखते ही पता चल रहा है कि कौन से लेसन से लिया गया है। बैंकर्स आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स एक्सेप्ट रिचर, रिटन बाय ऑग्डन नैश। एक्सप्लेनेशन आप खुद कर लेना, क्योंकि हम वो लेसन्स में कवर कर चुके हैं। ठीक है, चलिए, सेकेंड है नन ऑफ यू हाउ एवर इज एनीथिंग बट वेल फेड, येट आई एम श्योर दैट अंटिल दिस मोमेंट इट हैज़ नेवर अकर टू यू ऑन वट डबियस बेसिस योर फीलिंग इज अकॉम्प्लिश्ड। डबियस मीन्स होता है क्वेश्चनेबल, डाउटफुल, प्रोडक्ट ले रहे हैं, डाउटफुल है, लाइक दिस। ठीक है, तो ये कहाँ से है, अ टॉक ऑन एडवर्टाइजमेंट रिटन बाय हर्मन वॉक। देखिए, एक लेक्चर हमने आपके लिए अपलोड किया था जिसमें कहा था कि सभी लेसन्स के नेम और उनके राइटर के नेम आपको लर्न करने हैं, आई होप आपको याद होगा, और विद शॉर्ट ट्रिक, ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। सो उनका रोल क्या है, यहाँ पर उनका रोल है, आपको लेसन्स के नेम आने चाहिए और राइटर के नेम आने चाहिए। चलिए, नेक्स्ट है थर्ड, हिज मेथड डिड ही टेल दे वर रॉन्ग, ओ नो ही वाज फॉर टू एड्रॉइट फॉर दैट। हिज मेथड पढ़ते के साथ ही माइंड में क्या आ रहा है, दी सोक्रेटिक मैथड, एग्जैक्टली। सो कहाँ से लिया गया है, द सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स रिटन बाय डेल कार्नेगी। ओके, नेक्स्ट, बट सपोज पीपल कम इन एंड दे हैव मिलियन एंड दे वॉन्ट अनदर मिलियन एंड दे वॉन्ट अनदर मिलियन रिचर। ठीक है, सो कहाँ से लिया गया, बैंकर्स आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स एक्सेप्ट रिचर, रिटन बाय ऑग्डन नैश। नेक्स्ट क्या है, यू कैन नॉट आस्क योर वर्कर्स, वर्कर्स कहाँ पर होते हैं, बिजनेस में, एंटरप्रेन्योर, ओके, इस तरीके से आपको पहचानना है, टू गिव द ऑल ऑफ योर आइडिया ऑफ अ रफ डेज 2 hours इन द ऑफिस एंड 6 ऑन द गोल्ड कोर्स। कहाँ से लिया गया, आर यू एन एंटरप्रेन्योर, रिटन बाय विक्टर क्यान। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है 6, व्हाट हैव आई अकॉम्प्लिश्ड टुडे, What acts of heroism, the endless task of walking yesterday with today, finding answers for tomorrow's challenges, today, yesterday, tomorrow challenges, कहाँ पर था ये, I do not intend to write a poem written by Chanveera Kannavi। जिन स्टूडेंट्स ने 17 lessons बहुत अच्छे से समझे हैं, जो आपको यहाँ पर अपलोड कराए गए हैं, उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इट्स my guarantee। चलिए, 7th है, कम एंड शो मी अनदर सिटी। सिटी से क्या माइंड में आया, शिकागो, एग्जैक्टली, कंपोज बाय कार्ल सैंडबर्ग। ठीक है, चलिए, द प्रेस आर कन्विंस्ड दैट ही बॉट अ पेपर एवरी डे, ही बॉट अ पेपर एवरी डे, किस पर, कौन से लेसन में नज़र रखी जा रही थी, द अननोन सिटीजन पे। ठीक है, रिटन बाय WH ऑर्डर। चलिए, 8th
चलिए नाइन्थ है, एंड स्प्रिंग्स लव्स इन द रोड साइड ट्रीज शेयरिंग द जॉय ऑफ द चिल्ड्रन. आई डू नॉट नीड टू राइट अ पोएम रिटन बाई जनवीर खन्नवी. ठीक है, पीपल कॉल शिकागो लो, इसमें तो यही नाम आ गया खुद ही शिकागो का. ठीक है, एक्सप्लेनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप 17 लेसन्स अटेंड कर लिए हैं. हाँ, आपने समझ लिया, अच्छे से याद कर लिया है, तो आप एक्सप्लेन अपने आप कर पाएंगे. ठीक है, मेन जो चीज़ है आपके लिए वो आपको करवाई जा रही है. ओके चलिए, द क्वेश्चन इज अब्सर्ड. अब्सर्ड मीन्स होता है फुलिश, सिली. हैड एनीथिंग बी रॉन्ग वी शुड सर्टेनली हैव हर्ड. सो क्वेश्चन इज अब्सर्ड. ठीक है, सो कहाँ पर था ये? द अननोन सिटीजन में, रिटन बाय WH ऑर्डन. ही हु ट्रेड सॉफ्टली गोस फार, कहाँ पर था ये? द सीक्रेट ऑफ सॉक्रेट्स में, रिटन बाय डेल कार्नेगी. दिस इज द वे वी गो राउंड एंड राउंड इन सर्कल. आई डू नॉट इंटेंड टू राइट अ पोएम. ठीक है, रिटन बाय जनवीरा खन्नवी. दे वर फ्रेंड्स, कौन थे फ्रेंड्स? येट एनिमीज, याद आया कुछ? द डचेस एंड द ज्वेलर, रिटन बाय वी वुल्फ. एंड ऑल रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स किस में थी? द अननोन सिटीजन में, रिटन बाय WH ऑर्डन. ठीक है, नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंजेस, नाम से ही पता चल रहा है किससे है. द स्टॉक एक्सचेंज वेलकम्स यू एज अ विजिटर, बाय पी जैकोब. द पुअर ऑफ इंडिया नेवर फॉरगेट अ काइंडनेस, किसने कहा था ये? लाला जी वाले लेसन में, जिम कॉर्बेट ने. ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ही पुट इन टू हिज वर्क ऑल ऑफ हिज स्किल, ऑल हिज एक्सपीरियंसिस. ही वॉज प्राउड ऑफ ऑल फ्रूट्स ऑफ हिज लेबर, यानी कि मास प्रोडक्शन, प्रोड्यूस करना चीज़ों को, लेबर. ठीक है, रिटन बाय GC थॉर्नले. नेक्स्ट क्या है? टू व्हाट एंड इज ऑल दिस लाइन वैंडलिज्म. वैंडलिज्म मीन्स होता है विलफुली डिस्ट्रॉइंग वर्क्स ऑफ आर्ट, प्रॉपर्टी एंड ब्यूटी ऑफ नेचर. सो किस में था ये? कौन डिस्ट्रॉय कर रहा है? आर्टिफिशियलिटी के साथ, एडवर्टाइजमेंट. ठीक है, रिटन बाय हरमन बुक. एंड लास्ट, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. Then he took a bag from his pocket, held it out to me and said, this is an interest calculated at 25%. I owe you on the money you lent me. किसने पैसे दिए थे? कौन से लेसन में हुआ था ये? लाला जी ने. ठीक है, लाला जी, रिटन बाय जिम कॉर्बेट. सो कवर होते हैं आपके 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेना. ठीक है, नोटबुक में अभी के अभी नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए अपनी. ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. और हमारे मोटिव में हमारी हेल्प आपको करनी ही है. मोटिव क्या है? वीडियोज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ उसकी एक्चुअली नीड है. एज वी नो, शेयरिंग इज केयरिंग. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.